Good morning, students. Today we learn our fifth unit reading B, Simba's Adventure. तो एडवेंचर यूनिट के रीडिंग बी में सुम्बाज एडवेंचर है. सुम्बा एक नाम है ना, एक लड़के का, और उसके एडवेंचर के बारे में पढ़ेंगे. ये एक पोएम है जो एनोनिमस है, मतलब इसके पोएट कौन है ये नहीं पता है किसी को. ठीक है, आइए देखते हैं पोएम क्या कहता है, कैसे एडवेंचर में जाता है. एडवेंचर मतलब होता है साहसिक कार्य. ठीक है, जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, नदियों में तैरते हैं, तो ये एडवेंचर के अंतर्गत आता है. तो आइए देखते हैं इस पोएम में क्या क्या लिखा है. ठीक है, इट्स टाइम फॉर एन एडवेंचर नाउ. ठीक है, इट्स टाइम, अब समय आ गया है फॉर के लिए, एडवेंचर नाउ, एडवेंचर करने के लिए, साहसिक कार्य करने के लिए. ठीक है, सो व्हेन आई राइज फ्रॉम माय बेड, है ना, फ्रॉम बेड. ठीक, व्हेन मतलब जब होता है, सो इस तरह से आई राइज, राइज मतलब होता है उठना, फ्रॉम बेड, बेड से जब मैं उठा, अपने बिस्तर से जब मैं उठा, मतलब सुबह सो के जब मैं उठा. ठीक है, आई होप टू मेक दिस नॉर्मल डे. ठीक है, होप मतलब आशा करना होता है, मैंने आशा किया था कि मेक मैं बनाऊँ. ठीक है, दिस नॉर्मल डे, इस दिन को नॉर्मल मतलब साधारण सामान्य जो दिन होते हैं वैसा ही नॉर्मल बनाना चाहता था मैं. ठीक है, एडवेंचरस इंस्टेड. ठीक है, इंस्टेड मतलब होता है के बजाय. ठीक है, तो एडवेंचरस बनाने के बजाय मैं नॉर्मल ही बनाना चाहता था. ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, वो नॉर्मल बनाना चाहता था लेकिन होता क्या है. रेदर देन, ठीक है, रेदर देन मतलब के बजाय या इसके बजाय या बल्कि भी कह सकते हैं हम लोग. ठीक है, गोइंग लेफ्ट टुडे, मुझे लेफ्ट जाना था, बाएं दिशा में जाना था टुडे, आज. ठीक है, परहैप्स आई विल टेक अ राइट, लेकिन मैं शायद, परहैप्स मतलब होता है शायद, आई विल टेक अ राइट, मैंने राइट ले लिया, मैंने दायां साइड चुन लिया. ठीक है, मुझे जाना था लेफ्ट साइड में और मैंने क्या किया, मैंने दायां साइड चुन लिया. एंड फॉलो, फॉलो मतलब पीछा करना या आगे चलते जाना. ठीक है, वेयर द रोड मे लीड, ठीक है, रोड जो है वो लीड कर रहा था, वो आगे मुझे ले जा रहा था, आगे बढ़ा रहा था. और जहाँ, वेयर मतलब जहाँ, ठीक है, जहाँ मुझे रोड जो ले जा रहा था उसी तरफ मैं चला गया. ठीक है, आई विल वेदर टिल इट्स नाइट. ठीक है, सॉरी, वंडर, आई विल वंडर, वंडर मतलब होता है बिना मतलब का घूमना. ठीक है, बिना उद्देश्य के घूमना होता है वंडर. ठीक है, तो मैं घूमूंगा, आई विल है, ठीक है, मैं घूमूंगा टिल इट्स नाइट, पूरे रात होते तक, जब तक रात ना हो जाए तब तक मैं घूमूंगा. ठीक है, इफ़ एनी फैंस, यदि कोई फैंस आए, फैंस मतलब होता है बाड़ी. ठीक है, गेट्स, गेट्स मतलब दरवाज़ा, और वॉल्स, वॉल्स मतलब दीवार. देखिए, वॉल्स और फैंस में अंतर ये होता है कि जो तार वाली बाड़ी या कांटों वाली बाड़ी होती है उसको हम लोग फेंस कहते हैं, और जो ईंट या मिट्टी का दीवार हो उसे हम लोग वॉल्स की श्रेणी में रखते हैं. ठीक है, तो कोई भी, इफ एनी फेंस गेट्स आर वॉल, कोई भी बाड़ी आए, दरवाजा आए या फिर दीवार आए, शुड राइज इन फ्रंट ऑफ मी. ठीक है, शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है. ठीक है, राइज, राइज मतलब खड़े हो जाना. ठीक है, सामने में आ जाना. ठीक है, इन फ्रंट, इन फ्रंट मतलब सामने. ठीक है, ऑफ मी, मेरे, अगर कोई भी फेंस, गेट या दीवार कोई भी मेरे सामने में आ जाए. ठीक है, आई विल हर्डल देम, तो मैं उसे हर्डल कर दूंगा. हर्डल मतलब होता है ऊपर कूद जाना, ऊपर से कूद जाना, मतलब कुछ भी आए मैं ऊपर से कूद जाऊँगा. विथ सच ए बाउंड, ठीक है, बाउंड मतलब सीमा होता है, बाउंड्री. ठीक है, जिसको कहते हैं कोई भी सीमा आए. ठीक है, एंड सी, और मैं भी देखूंगा, वाट आई कैन सी, मतलब कोई भी बाड़ी आए, दीवार आए या गेट आए, मैं उस पर, उसके ऊपर से कूद जाऊंगा और उस साइड जो जो चीज़ें हैं आई कैन सी, उन्हें मैं देख सकता हूं, उसे मैं देखूंगा. आई सी वाट आई कैन से सी. ठीक है, मतलब मैं देखूंगा जो भी मैं देख सकूं. ठीक है,
मतलब मेरे आँखों को जितनी चीज़ें दिखाई देंगी वो सारी चीज़ें मैं देख लूँगा, ठीक है। वाट स्पेशल प्लेस, है ना, स्पेशल मतलब विशेष होता है, प्लेस मतलब जगह, है ना, क्या सुंदर या विशेष जगह है। कुड आई फाइंड, क्या मैं उसे पा सकता हूँ, है ना। इफ़ आई शुड, यदि मैं पा लिया, है ना, वॉक फॉर माइल्स, तो मैं मीलों तक चलूँगा, ठीक है। इफ़ एनी स्ट्रेंजर्स, अगर मुझे कोई स्ट्रेंजर मिल गया, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी व्यक्ति, ठीक है, जिसे हम लोग नहीं जानते हैं उसे हम लोग स्ट्रेंजर्स कहते हैं। आई शुड मीट, मैं उससे मिलूँ, ठीक है, मैं उससे मिल लूँगा, है ना। आई विल ग्रीट देम, मैं उन्हें ग्रीट करूँगा, ग्रीट मतलब होता है अभिवादन करना, नमस्कार करना, ठीक है। विथ अ स्माइल, विथ स्माइल के साथ मैं उनका अभिवादन करूँगा, है ना। थ्रो लूसियस फॉरेस्ट, है ना, थ्रो मतलब होता है से, लूसियस मतलब होता है आकर्षक, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है, आकर्षक जंगलों से, है ना। आई कुड रोम, रोम मतलब होता है घूमना, ठीक है। रोम, हम लोग जब लट्टू घुमाते थे तो जब लट्टू घूमते घूमते एक ही जगह पे खड़े हो जाता था उसको बोलते हैं रोम गया, है ना, तो वही रोम है, रोम मतलब घूमना होता है, ठीक है। तो आई कुड रूम, मैं उस वैसे ही घूमता रहूँगा। आर गोल्डन हिल्स, गोल्डन हिल्स मतलब, गोल्डन मतलब सुनहरी, हिल्स मतलब पहाड़, है ना। धूप, जब सुबह सुबह का धूप पहाड़ों पर पड़ता है तो वो सोने जैसे दिखाई देता है ना। शो टाल, बहुत ऊंची, ठीक है, बहुत ऊंची जो हिल्स हैं, पहाड़ की चोटियां हैं, ठीक है, मैं उनमें क्या करूँगा, घूमता रहूँगा। आई विल स्ट्रोल बिसाइड सम माइटी स्ट्रीम्स, स्ट्रीम मतलब, स्ट्रीम मतलब होता है धारा, या फिर हम लोग जिसको झरना कह सकते हैं, है ना। माइटी मतलब होता है शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली जो धारा है जब ऊपर पहाड़ों से गिरता रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, झरना या वाटरफॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मतलब होता है टहलना, ठीक है। टहलना और चलना में थोड़ा अंतर होता है, टहलना मतलब आराम से, है ना, पहाड़ों को देखते हुए मैं टहलूंगा बोल रहा है, कहाँ पर टहलूंगा बोल रहा है, बिसाइड मतलब के बगल में। सम माइटी स्ट्रीम्स, कुछ जो शक्तिशाली या बलशाली धाराएं हैं, है ना, उनके बगल में मैं टहलता रहूँगा। एंड बाथ, और मैं नहाऊँगा, बाय वाटरफॉल्स, और जहाँ झरना होगा मैं वहाँ पर क्या करूँगा, नहाऊँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आई थिंक ऑफ डिस्टेंस माउंटेन्स टॉप, ठीक है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब होता है दूरस्थ, ठीक है, दूर की, ठीक है। माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब पहाड़ की, पहाड़ें कह सकते हो, बहुत से पहाड़ों की जो टॉप्स है, टॉप्स मतलब चोटी, ठीक है, मैं सोचता हूँ उन पहाड़ी चोटियों के बारे में, ठीक है। दैट टच द क्रिम्सन स्काई, ठीक है, क्रिम्सन मतलब होता है लालिमा युक्त, ठीक है, लाल जो सुबह या शाम को होता है, तो उस स्काई को वो जो छूते रहते हैं, स्काई मतलब आसमान को वो छूते रहते हैं, कौन, माउंटेन टॉप्स, है ना। इमेजिन डीप एंड इरी कैप्स, डीप मतलब होता है गहरी, इरी मतलब होता है भयानक, ठीक है, तो गहरी और भयानक जो कैप्स हैं, गुफाएं हैं, उनके बारे में मैं इमेजिन करूँगा, मैं कल्पना करूँगा। वेयर स्लीपिंग ड्रैगन्स लाई, ठीक है, जहाँ पर स्लीप कर रहे हैं, सो रहे हैं ड्रैगन्स, ठीक है। ड्रैगन जान रहे हैं आप लोग, जो उड़ने वाले ऐसी चिड़िया जिसके मुंह से क्या बोलते हैं, आग निकलता है ना, तो वो क्या होंगे वहाँ पर, कैप्स में लाई किए होंगे, सोए होंगे, ठीक है। बट ड्रैगन्स विल मीन डेंजर, ठीक है, ड्रैगन्स, ड्रैगन की बात करें हम लोग, उस उड़ने वाले आग निकलने वाले पक्षी की बात करें, तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका अर्थ होगा डेंजर, खतरा, ठीक है। दो यद्यपि, है ना, एंड ट्रबल्स, ट्रबल मतलब मुसीबत, ले अहेड, ले मतलब लेटना, ठीक है, पड़ी होना या लेटना, अहेड मतलब आगे, आगे क्या होगा, खतरा होगा, ठीक है। नॉट एवरीथिंग इज नाइस, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, एंड काइंड,
काइंड मतलब दयालु, ठीक है। देयर मे बी थिंग्स आई ड्रेड, वहाँ पर ऐसी भी चीज़ें होंगी जो मुझे ड्रेड करेंगी, डराएंगी, है ना। देयर मे बी, वहाँ पर हो सकते हैं हंग्री वोल्व्स एंड बियर्स, ठीक है। वेल वोल्फ मतलब होता है भेड़िया, बियर्स मतलब भालू, ठीक है। दैट वॉन्ट टू बी फीस्ट ऑन मी, ठीक है, जो मुझे फीस्ट करना चाहते हैं, मुझे खाना चाहते हैं, ठीक है। वॉन्ट मतलब चाहना होता है। एंड लर्किंग स्पाइडर्स, लर्किंग मतलब होता है प्रसन्न या घूमते हुए, ठीक है। तो स्पाइडर्स जो हैं, स्पाइडर मतलब मकड़ियाँ, ठीक है। विद डियर वेब्स, डियर मतलब उनके, वेब्स मतलब जाल, वो अपने जालों के साथ इधर उधर क्या हो रहे हैं, प्रसन्नता से घूम रहे हैं, मतलब आवारापन से घूम रहे हैं। कुड स्ट्रिंग मी, स्ट्रिंग मतलब होता है बांधना, है ना, तो वो मुझे बांध सकती हैं। अफ फॉर टी, मुझे टी के लिए, चाय के लिए, मतलब चाय के साथ मुझे खाने के लिए वो मुझे बांध सकती हैं, ठीक है। परहैप्स देयर विल बी गॉबलिन फॉग, ठीक है। गॉबलिन फॉग मतलब होता है प्रेत लोक कह सकते हैं जिसे हम लोग, ठीक है, मतलब भूतों का लोक। गॉबलिन फॉग मतलब भूतों वाली जगह, ठीक है। शायद वहाँ पर भूतों वाली जगह भी हो सकती है, भूत भी हो सकते हैं बहुत सारे। दैट कट एंड स्टब एंड थर्स्ट, ठीक है, जो मुझे कट कर देंगे, मुझे काट देंगे। स्टब मतलब होता है जैसे पेट की किसी को चाकू मारा जाता है तो वो कटता नहीं है लेकिन अंदर घुस जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं स्टब, जिसे भोंकना भी कह सकते हैं, चाकू भोंकना जी नहीं बोलते हैं, हाँ वो होता है स्टब मीन्स। एंड थर्स्ट, थर्स्ट मतलब वो प्यासे होंगे और मुझे चाकू मार के खा जाएंगे, है ना, ये बोल रहा है वो, ठीक है। दे हैव बर्न द ग्रास, है ना, उन्होंने ग्रास को बर्न कर दिया है, उन्होंने घास को जला दिया है। दैट वंस वॉज ग्रीन, जो कभी हरा था, हरा भरा था, उसे उन्होंने क्या कर दिया, जला दिया है। एंड टर्न, और बदल गया है, ठीक है, टर्न मतलब बदलना होता है, ठीक। द लैंड टू डस्ट, और उन्होंने जो लैंड था, जो धरती था, उसे डस्ट में परिवर्तित कर दिया है, डस्ट ने मतलब राख में परिवर्तित कर दिया है। वेल आई हैव थॉट, तो अच्छा मैं सोचता हूँ अबाउट एडवेंचरिंग, है ना, साहसिक कार्य के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है। विल्स्ट लेइंग इन माई बेड, ठीक है, विल्स्ट मतलब जब तक, ठीक है, लेइंग इन माई बेड, जब तक मैं अपने बिस्तर में लेटा रहता हूँ तब तक मैं इन एडवेंचर के बारे में सोचता रहता हूँ, ठीक है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई विल स्टे हियर, मैं यहीं रुकूं, स्नूजिंग नाउ, अभी थोड़ा सा और झपकी ले लूं। देखिए चित्र में भी दिख रहा है, एक लड़का है जिसका नाम सुम्बा है, वो बिस्तर में सोया हुआ है, ठीक है, और वो सोचता है कि मैं यहीं थोड़ी सी और झपकी ले लूं। एंड ड्रीम, और सपने देखूं, आप देम उनके इंस्टीड, ठीक है, इंस्टीड मतलब के बजाय, मतलब एडवेंचरिंग करने के बजाय मैं थोड़ा सा और सो जाऊं और सपने देखना चालू कर दूँ, ठीक है। इस पूरी कविता को पढ़ने से समझ में ये आता है कि एक लड़का है जो सो रहा है, सोते सोते वो आधा नींद आधा जागा हुआ है और सपने देख रहा है एडवेंचर के बारे में, और अंत में जब वो थोड़ा सा जाग जाता है तो सोचता है इन सब के बदले मैं थोड़ा सा और सो जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एनोनिमस, एनोनिमस मतलब होता है अनजान व्यक्ति, ठीक है, किसने इस कविता को लिखा है वो पता नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।